मैंने दूरबीन से देखा तो घोंसले में बच्चे भी दिख रहे थे वे घोंसले के मुंह के पास बैठे थे अपनी माँ और खाने के इंतजार में और वे कर भी क्या सकते केवल खाना और सोना देखिए इस तरीके से है ना चलिए अब आगे आजकल सभी पक्षी बहुत व्यस्त है घोंसला बनाना और अंडे देने तो पहला चरण सोपना है कड़ी मेहनत से बनाए गए घोसले में बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना होता है बहुत मुश्किल काम है पक्षियों के लिए कुछ मनुष्य अन्य प्राणी दुश्मन के समान होते हैं कौआ गिलहरी जैसे कि बिल्ली चूहे ये सभी अंडे चुराने के मौके ढूंढते रहते हैं और कई बार घोंसले को तोड़ भी देते हैं तो क्या होता है कुछ कुछ प्राणी और कुछ मनुष्य क्या होते हैं पक्षियों के दुश्मन भी होते हैं तो क्या करते हैं वो उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं आपने आपको इन मुश्किलों से बचाना खाना रोजाना घोंसला बनाना अंडे सेना बच्चों को सावधानी पूर्वक पाल बड़ा करना यह सब हर पक्षी के लिए कसौटी के समान है फिर भी ये पक्षी आनंद से खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं तो आपने क्या देखा वो एकदम आनंद से उड़कर गाते भी हैं और अपना पंख भी फैलाते रहते हैं उन्हें किसी से कुछ भी फर्क पड़ता नहीं अच्छा सबको सलाम आपके गजू भाई का आशीर्वाद चलिए गजू भाई ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था चलिए देखिए यहाँ पर गजुबाई बेदक ने यह पत्र लगभग पिचहत्तर साल पहले लिखा था चलिए आगे का प्रश्न पता करो तुम्हारे दादा दादी नाना नानी उस समय कितने साल के थे मेरे दादाजी उस समय एक वर्ष के थे और दादी का जन्म नहीं हुआ था देखिए आगे इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे हैं इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए उनमें से मैंने कौआ गोरैया कबूतर कोयल तथा दर्जीन चिड़िया को देखा है देखिए आगे का प्रश्न तुमने इन पक्षियों के अलावा कौन कौन से पक्षी देखे हैं मैंने इन पक्षियों के अलावा हंस बतक सारस चील गिद्ध आदि को देखा है अब देखिए आगे का प्रश्न क्या तुमने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है कहाँ हाँ मैंने पक्षी का घोंसला देखा है पास के बगीचे के पेड़ पर देखा था ठीक है देखिए अब आगे आपका मनपसंद पक्षी कौन सा है कक्षा के मित्रों के समक्ष उसकी तरह आवाज निकालकर और उड़कर दिखाइए यह पक्षी पहचानी है देखिए सिर पर मुकुट और पूछ में सिक्के सिर से दूम दिखे बस नीले पट्टे संकेत हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है मोर ठीक है चलिए अब आगे अपने घर में या आसपास यदि किसी पक्षी का घोसला हो तो उसे ध्यान से देखिए ध्यान रहे घोसले के बहुत पास नहीं जाना और उसे छूना भी नहीं यदि ऐसा करोगे तो फिर पक्षी घोसले में दोबारा नहीं आएंगे कुछ दिनों घोसले का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित बातों का पता लगाइए चलिए देखिए प्रश्न तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है मेरा मनपसंद पक्षी तोता है आगे का प्रश्न कक्षा में उसकी तरह उड़कर दिखाओ और आवाज निकाल कर दिखाओ तो यह स्वयं करो चलिए आगे तो हमने यह देख लिया यह पक्षी का संकेत क्या हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है आगे का प्रश्न क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में घोंसला बनाते हैं हाँ कौन बनाता है कटफोड़वा भी बसंत गौरी की तरह तने में घोंसला बनाते है? है चलिए अब आगे अपने घर या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखिए ध्यान रहे आपको उसके पास नहीं जाना है छूना भी नहीं गलती से छू लिया तो फिर पक्षी घोसले में दोबारा नहीं आएंगे कुछ दिन तक एक घोसले को देखो और उसकी बातों को पता कीजिए घोसला कहाँ पर बना है घोसला पेड़ की डाल पर बना है आगे का प्रश्न किन किन चीजों से बना है देखिए घोसला घास एवं तिनकों से बना है क्या घोसला बन चुका है या पक्षी अभी भी इससे बना रहे हैं घोसला बन चुका है आगे का प्रश्न क्या आप पक्षी को पहचानते हो कौन सा पक्षी हाँ यह एक कौआ है अब आगे पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं पक्षी घोंसले में कीड़े तथा रोटी के टुकड़े अनाज के दाने लेकर आते हैं प्रश्न का क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है हाँ घोंसले में पक्षी बैठा है देखिए आगे का प्रश्न तुम्हें क्या लगता है घोंसले में अंडे हैं नहीं मुझे लगता है घोंसले में अंडे नहीं हैं बारहवा प्रश्न क्या घोसले में कुछ चीची की आवाज़ आ रही है हाँ घोसले में चीची की आवाज आ रही है प्रश्न आगे का अगर घोसले में बच्चे हैं तो उसके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं माँ बाप खाने के लिए दाने रोटी टुकड़े कीड़े आदि लाते हैं अब आगे का प्रश्न पक्षी एक घंटे में कितनी बार घोंसले पर आते है? पक्षी एक घंटे में दो से तीन बार घोंसले पर आते हैं प्रश्न आगे का बच्चे कितने दिन बाद घोसला छोड़कर उड़ते हैं लगभग एक महीने बाद घोसला छोड़कर उड़ते हैं तुमने जो घोसला देखा है उसका चित्र कॉपी में बनाओ देखो इस तरीके का चित्र आपको बनाना है है ना चलिए अब आगे आपने देखा कि पक्षी कैसे अलग अलग चीजों से अपना घोसला बनाते हैं उनमें से कुछ चीजों का उपयोग कर कर आप भी एक घोंसला बनाए और उस घोंसले में कागज की एक पक्षी बनाकर रखिए पक्षी अपना घोंसले का उपयोग केवल अंडों देने के लिए करते हैं बच्चे बड़े हो जाने पे वे घोंसला छोड़ देते हैं अनुमान लगाइए जब हम चलने और बोलने लायक हो जाएं तो हमें भी अपना घर छोड़ना पड़े तो घोसला छोड़ने के बाद अलग अलग तरह के पक्षी अलग अलग जगह पर रहते हैं जैसे कि कुछ पक्षी पेड़ों पर कुछ पानी में या पानी के समीप कुछ जमीन पर रहते हैं अन्य जानवर भी अलग अलग स्थानों पर रहते हैं जमीन पर नीचे पानी में और पेड़ों पर ठीक है देखिए आगे पक्षियों के पंजे आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार के हैं देखिए पानी में तैरने के लिए पेड़ की डाली पकड़ने के लिए शिकार पकड़ने के लिए जमीन पर चलने के लिए पेड़ पर चढ़ने के लिए पक्षी की चोच खुराक के अनुसार अलग अलग प्रकार के देखिए मांस खाने के लिए पेड़ तने और लकड़ी में छेद करने के लिए फूलों का रस चूसने के लिए पानी और कीचड़ में जीव जंतु को खोजने के लिए बीजों को तोड़ने के लिए खुराक को काटने के लिए खाने के लिए आदि सब यहाँ पर बताया गया है चलिए जानवरों के दांत आपने देखा होगा कि जानवर के दांत अलग अलग होते हैं जैसे कि गाय के आगे के दांत घास काटने के लिए छोटे होते हैं और बगल के दांत चपटे सपाट और बड़े होते हैं ये घास चबाने के लिए होते हैं। है अब देखिए बिल्ली के दांत मांस फाड़ने और काटने के लिए तीषण होते हैं आगे सांप के दांत आगे की ओर मुड़े तथा तीषण होते हैं परंतु वह अपने शिकार को चबाने नहीं खाता बल्कि पूरा निकल जाता है गिलहरी के दांत जीवन पर्याप्त बढ़ाते हैं वह अपने लंबे दांतों का उपयोग कर कर खुराक को काटने व कुतरने में करती है चलिए आइए अब हम आगे कुछ पता लगाते हैं आइए अपने दांतों के बारे में कुछ बातें पता करें चलिए आगे का प्रश्न तुम्हारी उम्र नौ साल तुम्हारे मुंह में कुल कितने दांत हैं? मेरे मुंह में कुल चौबीस दांत हैं। तुम्हारे कितने दांत टूट गए चार दांत टूट गए हैं चलिए अब आगे कितने नए दांत आए हैं अभी तक केवल तीन नए दांत आए कितने दूध के दांत टूटे हैं पर उनकी जगह नए नहीं आए दूध के दांत की जगह पर नए दांत नहीं आए हैं अब आगे का प्रश्न अपने दोस्तों के दांत देखो और दांत अलग अलग तरह से होते हैं सामने पीछे दांत तरह तरह के होते हैं सामने और पीछे के दांत का चित्र कॉपी में बनाओ इस तरीके का चित्र आपको बनाना है क्या तुमने दांत इन दांतों को कोई अंतर देख सकते हो हाँ मैं इन दांतों में अंतर देख सकता हूँ सामने के दांत पतले और पीछे के दांत मोटे होते हैं देखिए आगे तुम्हारे सामने ऊपर नीचे दांत नहीं है तुम अमृत कैसे खाओगे करके दिखाओ स्वयं करो तुम्हारे सामने दांत तो है मगर पीछे का एक भी नहीं है अब तुम रोटी कैसे खाओगे यह स्वयं कर कर दिखाओ प्रश्न तीन तुम्हारे मुंह में एक भी दांत नहीं है तुम किस प्रकार से खाओगे केवल तरल पदार्थ बहुत ही मुलायम पदार्थ जिसे दांतों से चबाने की जरूरत नहीं पड़ती वो ही खाया जा सकता है आगे का प्रश्न तुम्हारे अगर तुम्हारे दांत ही न हो तो तुम कैसे दिखोगे कॉपी में चित्र बनाओ इस तरीके का चित्र आपको बनाना है जिन बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते वे किस तरह की चीजें नहीं खा पाते हैं कड़ी चीजें जैसे भुजा पता लगाओ इस तरीके की चीजें वो नहीं खा पाते हैं अब देखिए ये प्रश्नों के उत्तर सारे हमने अभी देख लिए तो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और यहाँ पर आपको चित्र भी बनाना है ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है ठीक है हमने ये सारे प्रश्नों के उत्तर जान ली है हमने सारे उत्तर के बारे में पक्षियों के बारे में वो किस तरीके से रहते हैं किस तरीके से खाते हैं तो हमने जान लिया ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है धन्यवाद